हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जैसा कि अभी वीडियो मैंने देखा, 8 बजे तो 21 दिनों का लॉकडाउन उन्होंने फिर से अनाउंस किया। ये हम सभी के लिए बहुत ही बेहतरी के लिए है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, कृपया इसको आप लोग फॉलो करें और देश हित में, परिवार हित में, समाज हित में अपना पूरा संपूर्ण सहयोगदान दीजिए। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और CBSE बोर्ड का भी अनाउंसमेंट आ गया है कि अब इधर जो फर्दर क्लासेस होंगी, टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि सिलेबस काफ़ी पीछे ना हो पाए और नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में ज़्यादा बाधा ना हो। तो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि सारी वीडियोज़ को प्रॉपरली एंड तक देखें। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी भी वीडियोज़ हैं, जितने भी क्लासेस हैं, बिल्कुल मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूं। लेक्चर्स जैसे मैं क्लास में कंटिन्यू करता हूं, वैसे ही देने की कोशिश करूं। थोड़ा सा कम एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आप भी कोशिश करें कि एक दो बार वीडियो को देखा। आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूला करिए। आप लोग वीडियोज़ देखते तो हैं बट लाइक करना भूल जाते हैं। प्लीज़ लाइक किया कर, जिससे कि मुझे ही पता चले कि आप वीडियोज़ को प्रॉपरली सपोर्ट कर रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है। कमेंट बॉक्स में अपने कन्फ्यूजन्स को भी आप शेयर करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, स्पेशली 10th और 12th के बच्चे। तो ये थर्ड पैसेज स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ अपनी बुक्स को भी आप खोल लिया करें, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हुआ करे। तो लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपको बहुत ईजी वे में समझ में आए। जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो, वहाँ पर पेंसिल लेके नोट डाउन करते चला करें। तो ये थर्ड पैसेज स्टार्ट होता है कि श्योरली शेक्सपियर इज विक्ट। अभी देखिए, हमने सेकंड पैसेज पढ़ा था कि सेकंड पैसेज हमने देखा कि स्टूडेंट्स जो पोएट हैं स्टेफन स्पेंडर, इन्होंने जो क्लासरूम है वहाँ पे, वहाँ का क्या अपीयरेंस है, उसके बारे में उन्होंने क्या किया, डिस्क्राइब किया है। अब थर्ड पैसेज में यहाँ पे अपना वो व्यू दे रहे हैं कि जो क्लासरूम है, क्लासरूम में जो शेक्सपियर की जो फोटो लगी हुई है वो विग्ड है, वो सही नहीं है। श्योरली, जरूर, बिल्कुल, निसंदेह, शेक्सपियर इज विग्ड। यहाँ पे शेक्सपियर को वो कुछ नहीं बोल रहे स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर उनके कहने के तात्पर्य ये, जो शेक्सपियर की जो फोटो क्लासरूम में लगाई गई है इज विग्ड, वो सही नहीं, विग्ड शरारती या नहीं। यहाँ पे कहने के तात्पर्य है कि उसका जो उद्देश्य है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं, आगे मैं आपको बताऊंगा। एंड और द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो क्लासरूम में जो ओपन हैंडेड जो मैप लगा हुआ था, मैंने आपको सेकंड पैसेज में एक्सप्लेन करके बताया हुआ था। वेल, यहां बताना चाहूंगा, जिन्होंने अभी फर्स्ट और सेकंड पैसेज का वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पे दोनों का लिंक मैंने दे दिया है, वहां से आप फर्स्ट और सेकंड पैसेज को भी देख पाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो पोएट कह क्या रहे हैं कि एंड द मैप अ बैड एग्जाम्पल विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। वहां पे जो मैप लगा हुआ है क्लासरूम में, बहुत ही खराब, बहुत ही गंदा एग्जाम्पल है, जो जो किस किसका विद शिप्स, जिसमें कि जहाज हैं, सन सूरज भी हैं और लव प्यार भी हैं। टेम्पटिंग, जो उन्हें क्या कर रहा है, मजबूर कर रहा है या आकर्षित कर रहा है। देम मतलब यहाँ पे उन फोटोग्राफ्स की बात की जा रही है, उस मैप की बात की जा रही है जो क्लास में लगे हुए हैं, टू स्टील, मींस चुराने के लिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छे समझने की कोशिश करिएगा स्टूडेंट्स कि कहने की कोशिश क्या की जा रही है, कि जो वहाँ पे एग्जाम्पल, जो वहाँ पे जो मैप लगा हुआ है, एक्चुअली उसमें बाहरी दुनिया के बारे में जो चीज़ें दिखाई गई हैं, वो बाहरी दुनिया जिसको वहाँ के बच्चे, उस गंदी बस्ती के बच्चे बिल्कुल जिससे जागरूक नहीं है, जिसको कभी उन्होंने देखा नहीं है, वो एक स्वप्न की तरीके उनको हैं। अर्थात उस मैप को देखने के बाद, उन फोटोज को देखने के बाद, उनके अंदर भी एक ललक, एक जिजीविसा उत्पन्न होती है कि ये जो चीजें हैं, जो शिप है, वो सन है, जो प्यार है, उसकी चाहत उनके अंदर भी उत्पन्न होती है। अर्थात उन चीजों को चुराने की चाह, उस जिंदगी को जीने की चाह उनके अंदर उत्पन्न होती है। अर्थात वास्तविक, परंतु वास्तविकता में उन्हें वो ऐसा जीवन मिल पाना असंभव सा लग रहा है। इसलिए पोएट यहाँ पे रिक्वेस्ट करें कि उन चीजों को वहां से हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो एक ऐसे सपनों की कुल की तरफ ले जा रहा है, जहां जो सपने कभी भी पूरे नहीं हो सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे वो लिखते हैं कि फॉर लाइव्स, फॉर लाइव्स यानी कि वो उनके जीवन की बात करें, जो बच्चे हैं वहां पर, उनके जो स्लम, जो गंदी बस्तियों में रह रहे हैं, उनके जीवन की बात करें, फॉर लाइव्स, जहां तक उनके जीवन की बात, दैट जो कि स्लाइली, स्लाइली में होता है धीरे धीरे, चुपके से क्या हो रही है स्टूडेंट्स, यहां बात करें, टर्न बदल रही है, किसमें, इन देयर क्रैम्ड होल, उनके क्रैम्ड मतलब छोटे छोटे, एकदम तंग से होल्स, मतलब यहाँ पे घर, उनके जो छोटे छोटे जो उनकी जो जिंदगी, वो किसमें बदल रही है,
छोटे छोटे होल्स में बदल रही है, यानी छोटे छोटे झोपड़ियों में जो रहते हैं, और वो किससे? फ्रॉम फॉग, धुंध में उनकी झोपड़ियां हैं, कैसे में बदल रही हैं? वो धुंध में बदल रही हैं, और ऐसे धुंध में बदल रही हैं, टू इंडलेस नाइट, मतलब ऐसी रात में वो तब्दील हो जा रही हैं, जो जिसका कभी भी अंत नहीं होता है। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब ये, उनका वो जीवन जो उनके तंग बिलो यानी तंग घरों में धुंध से कभी ना खत्म होने वाली रात में बदल जाते, यानी कि जो पूरा एरिया है बहुत ही पॉल्यूटेड है, और वो जो रात जिस समस्या को वो झेल रहे हैं वो समस्या कभी भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। यहाँ पे पोएट का कहने का तात्पर्य ये है। और आगे पोएट कहते हैं कि ऑन देयर स्लैग हीप, यहाँ पे स्टूडेंट्स मतलब कहने का ये है कि पोएट कह रही है ऑन देयर स्लैग, स्लैग मतलब जो डस्ट होता है, जो कबाड़ होता है, जो कचरा होता है, ही मतलब ढेर, जो कचरे का ढेर, यानी जो वो एरिया है, जो गंदी बस्ती है जहाँ पे कचरों का क्या है ढेर है, वहाँ पे दीज चिल्ड्रेन, ये जो बच्चे हैं, वियर पहनते हैं स्किन, अपनी चमड़ियों को पीप्ड, जिससे झांकते हैं थ्रू बाई बोन्स, अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब है वो इतने कमजोर हैं कि उनकी जो चमड़ियाँ हैं वो हड्डियों से चिपकी हुई हैं बिल्कुल से, और ऐसे चिपकी हुई कि उनकी चमड़ियों से क्या, उनकी हड्डियाँ हैं वो क्या कर रही हैं, झांक रही हैं, अर्थात उनकी हड्डियाँ जो बोन्स हैं वो बाहर की ओर बिल्कुल निकली हुई दिखाई दे रही हैं। अर्थात जब आप उनकी बॉडी को देखेंगे तो उनके बॉडी में आप केवल हड्डी हड्डी दिखाई देगी, पूरी बोन्स दिखाई देगी, और कपड़े के बजाय वो हड्डियाँ किससे ढकी हुई हैं, उनकी पतली चमड़ियों से ढकी हुई है। एंड और आगे कहते हैं कि स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास, और स्पेक्टिकल जो वहां पे जो लोग चश्मे पहने हुए हैं, ऑफ स्टील जो किससे बनी हुई है, स्टील से, एंड मेंडेड ग्लास और किससे बनी हुई, जो ग्लास से बनी हुई है, वो कैसे दिखाई दे रहे, लाइक अ बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, अर्थात वहां पे जो लोग चश्मे पहने उनके जो चश्मे कैसे दिख रहे हैं, जो स्टील और लोहे के बने हुए, जो ग्लास के बने हुए जो चश्मे हैं उनके फेस पे ऐसा लग रहा है कि पत्थरों पर क्या कांच के टुकड़े जैसे लग रहे हैं। अर्थात वो जो वहां पे जो लोग हैं इतने कमजोर हैं कि उनका जो क्या स्टोन, स्टोन का मतलब यहाँ पे तात्पर्य वहां के जो गरीब लोग हैं उनसे लिया गया है स्टूडेंट्स। एंड बॉटल बिट्स, वो जो चश्मे हैं कैसे दिख रहे हैं कि यानी उनके सर पे जो है वो कांच के टुकड़ों की तरह दिखाई दे रहे, जो जो शीशे से बने और स्टील के बने जो ग्लास हैं उनके फेस पर ऐसा लग रहा है कोई जो चश्मा है वो क्या है, कोई बॉटल का कोई टुकड़ा है जो पत्थरों पर क्या हुआ है, पड़ा हुआ है, ऐसा देखने पे प्रतीत होता है। एंड ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, एंड ऑल ऑफ देयर टाइम, उनका जितना भी समय है एंड स्पेस जो भी जगह है, आर फॉगी स्लम, क्या है, धुंध से भरी हुई स्लम है, गंदी बस्तियां हैं। अर्थात कहने के तात्पर्य यहाँ पे है जो वो जगह है या जो भी समय वो व्यतीत कर रहे हैं वो पूरा का पूरा कैसा है, एकदम गंदी बस्तियों में पूरा पूरा व्यतीत होता रहता है। तो आगे जो मैप में अक्सर दिखाया जाता है जहां पे उनकी स्थिति को दर्शाया नहीं जाता है, आगे उसी पॉइंट क्या कहते हैं, सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम, अर्थात कह रहे ब्लॉट देयर मैप्स कि जो भी मैप बने हुए हैं उन मैप्स पर इनकी भी स्थिति क्या किया जाए, दिखाया जाए, विथ स्लम्स इन्हीं गंदी बस्तियों को दिखाया जाए, एज बिग एज डूम, जैसे कि कोई क्या होता है बड़ा सा नर्क होता है, उसी की तरह इन बस्तियों को भी दिखाया जाए, क्योंकि जो बाहरी जो संसार है वहां की जो स्थिति दिखाई जाती है वो बिल्कुल अलग होती है, ये वास्तविक जो स्थिति इन गंदी बस्ती की होती है वो मैप में कहीं दर्शाई नहीं जाती है। अर्थात यहाँ पर पोएट रिक्वेस्ट करता है कि जो वास्तविकता है वो भी मैप में दिखाया जाए, इन गरीब लोगों के लिए, इन गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए, लोगों के साथ मजाक ना किया जाए। तो उस तरह से स्टूडेंट्स थर्ड पैसेज भी फिनिश हुआ। आई होप आपको समझ में आया है, मैंने कोशिश किया कि आपको वर्ड टू वर्ड में एक्सप्लेन करूं, हर एक टॉपिक्स को मैं क्लियर करूं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसका एक लास्ट पैसेज बचा हुआ है, मैं अगली वीडियो में अपडेट कर दूंगा। और प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इस समय कोई भी क्लासेस नहीं चल रही हैं, स्कूल्स नेक्स्ट 21 डेज के लिए भी बंद होंगे,
आगे क्या डिसीजन होगा हम कुछ नहीं कह सकते हैं, तो हमें घर पे रह के अपनी स्टडी को कंप्लीट करना होगा। स्टूडेंट्स प्लीज इनको पढ़िए, समझिए और घर पे आप नोट्स मेंटेन करने की कोशिश करिए। अगर नोट्स को मेंटेन करने में कोई भी इश्यूज आ रहे हैं प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। ओके एंड क्लास 10 के स्टूडेंट्स डोंट वरी, कुछ लोग का मुझे मैसेज है कि सर मेरे लिए आप वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हैं, तो बहुत ही जल्द स्टूडेंट्स आपकी वीडियोस में बनाना स्टार्ट करूंगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर प्रीशियस टाइम, एंड अगेन प्लीज सपोर्ट इंडिया, सपोर्ट दिस कर्फ्यू एंड लॉकडाउन, एंड प्लीज सेव अवर कंट्री।